देवोलीना भट्टाचार्य ने जहां ये कह दिया कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला ने टास्क के दौरान उन्हें हाथ भी लगाया तो वो सिद्धार्थ पर मी टू एलिगेशंस लगा देंगी, जिसके बाद पब्लिक देवोलीना को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। देवोलीना के लिए सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर लिखा गया है, जिसमें ये लिखा है कि देवोलीना जैसी लड़कियों की वजह से ही मी टू मूवमेंट चल नहीं पाया। ऐसी औरतों की वजह से ही जेन्युइन और रियल केसेस पर भी लोग यकीन नहीं करते। वो लड़कियां जो सच में सफर करती हैं, वो ऐसी लड़कियों की वजह से और भी ज्यादा झेलती हैं। ये सिर्फ एक टास्क ही था जहां लड़का और लड़की दोनों बराबर थे, दोनों एक दूसरे पर चीख रहे थे, दोनों धक्के दे रहे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये टास्क था ही ऐसा। जब बात ट्रॉफी की आती है तो लड़कियां कहती हैं कि बराबरी का कॉम्पिटिशन है, लेकिन टास्क में ये विमेन कार्ड खेलती हैं। इतना ही नहीं, ओपन लेटर लिखने वाले इस दर्शक ने देवोलीना से ये भी पूछ लिया कि लड़कियां क्या जो चाहे वो कर सकती हैं? लड़की फेमिनिस्ट होने के नाम पे धक्के भी मार सकती है, चिल्ला भी सकती है और गाली भी दे सकती है, और अगर लड़का कुछ कहता है तो मी टू एलिगेशन की बात आ जाती है। वेल, इस यूजर की बात बिल्कुल ठीक है। जहां इतनी सारी लड़कियां सीढ़ी को घेरे हुए खड़ी थी तो सिद्धार्थ को सीढ़ी तक पहुँचने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। सिद्धार्थ ने इंटेंशनली किसी को धक्का नहीं दिया, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। जो कुछ भी हुआ टास्क के दौरान हुआ। इस ओपन लेटर पर हम तो पूरे तरीके से सहमत हैं। What do you guys think? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। फाइनल कट एंटरटेनमेंट।